हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू गेम प्ले ऑफ WWE 2K23। वापस आ गए सीरीज मैच को कंटिन्यू करने के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है, पिछला मैच में टीम अंडरटेकर इस मैच को विन किया था, तो आज का मैच होने वाला है टीम अंडरटेकर वर्सेस टीम सीएम पंक के साथ। तो देखना होगा आज इस मैच को कौन विन करता है। फटाफट से मैच जब तक चालू हो रहा है, वीडियो को लाइक मार दी, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दी और इस तरह का मजेदार वीडियो मिस ना कर पाए। और यहाँ पे अंडरटेकर आया है टीम को स्टार्ट करने और सीएम पंक अपने टीम को स्टार्ट करने। देखना होगा स्टार्टिंग कैसा देखने मिलता है। स्टार्टिंग ही दमदार लग रहा है, दिखने मिलने वाला है। और यहाँ पे फिनिशर मूव आते ही सीएम पंक का, भाई साहब क्या ही फिनिशर। आते ही सीएम पंक ने फिनिशर लगा दिया, वो भी टीम अंडर के सबसे अच्छा सुपरस्टार को। यहाँ पे दूसरा फिनिशर बस मत लगाना, दूसरा फिनिशर भी लगते हुए यहाँ पे दूसरा फिनिशर भी मेरे को लग रहा है यहाँ पे 10 सेकेंड्स में मैच को एंड कर दिया जाएगा केन का, अगर तीसरा फिनिशर बस न लग जाए। तीसरा फिनिशर सीएम पंक का मेरे को ख्याल थोड़ा सा बुरा लग रहा है। और यहाँ पे तीसरा फिनिशर रिवर्स करते केन रिवर्स कर दिया। अगर यहाँ पे रिवर्स नहीं होता तो काफ़ी ज़्यादा गलत सीन हो जाता, क्योंकि इस मैच में थोड़ा सा गलत सीन देखने मिल जाता। क्योंकि टीम अंडरटेकर कोई भी मैच अभी तक ये हारा नहीं, जो सीरीज का दूसरा मैच चल रहा है। अगर ये हारता है तो भाई टीम अंडरटेकर का टीम हार के सीरीज से बाहर फेंका जाएगा और टीम सीएम पंक का टीम कंटिन्यू करेगा। तो देखना होगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार मैच होने वाला है। दोनों ही टीम तगड़ा है, दोनों ही का सुपरस्टार तगड़ा है, तो टीम अंडरटेकर का थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि ये टीम पहले ही ये सीरीज को खेल चुका है। पर कोई ना, एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता यहाँ पे इस मैच के लिए, कोई भी मैच विन कर। और अंडरटेकर तो आया है तो फिनिशर मूव तो ट्राई करेगा, और यहाँ पे ट्राई हुआ था फिनिशर मूव सीएम पंक के पास, अभी बहुत ज़्यादा ही डाउनफॉल में, क्योंकि उसके पास अभी सीधा सीधी फिनिशर नहीं था। बहुत अच्छा डिसीजन यहाँ पे टैग देने का, कोडी रोड्स इनकमिंग आते हुए सही सिचुएशन पे टैग दे दिया। सीएम पंक को भी पता था अगर अभी लिया जाए फाइट अंडरटेकर से तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अंडरटेकर अभी फुल ऑन फिनिशर फुल करके आया। पर यहाँ पे कोडी रोड्स को टैग दे के कोडी रोड्स ही को एलिमिनेट करा दिया। सीएम पंक का स्ट्रैटेजी थोड़ा सा लेफ्ट राइट होते हुए यहाँ पे, क्योंकि सीएम पंक ने सोचा था कि टैग दे देगा तो कोडी रोड्स को संभाल लेगा, पर अंडरटेकर यहाँ पे गेम चेंजर बनते हुए, क्योंकि अंडरटेकर ने यहाँ पे फिनिशर मूव लगाया ही नहीं, सबमिशन लगा के सीधा कोडी रोड्स को एलिमिनेट कर दिया। तो अभी सिचुएशन हो चुका है 3v2 का, तो देखना होगा टीम अंडरटेकर क्या और स्टेप लेता है। अगर सीएम पंक का टीम एक भी एलिमिनेशन नहीं कर पाता है टीम अंडरटेकर को, तो सीधा सीधी टीम अंडरटेकर विन करेगा, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही हैंडल्स नहीं होने वाला है, क्योंकि टीम अंडरटेकर खतरनाक फॉर्म में खेल रहा है। पहला मैचेस जीता था सीरीज का, तो ये दूसरा मैच है। अगर ये मैचेस भी जीत जाता तो दूसरा मैच ऑफ द सीरीज विन करेगा। और यहाँ पे पिन आउट का ट्राई, पर पीछे से अंडरटेकर आके रिवर्स किया, और यहाँ पे अंडरटेकर को लगता फिनिशर मूव लगाने जा रहा, पर एजे स्टाइल्स का गलत सीन होते हुए, क्योंकि ये फिनिशर मूव लगाना था अंडरटेकर को, पर अंडरटेकर ने सही मौका देख के टैग दे दिया और बटिस्टा आगे पावर बम लगाते हुए यहाँ पे बहुत ही गलत सिचुएशन। यहाँ पे बटिस्टा ने पावर बम लगा दिया यहाँ पे, बहुत ही खतरनाक वाला। ये टाइम पे पावर बम नहीं लगना चाहिए था एजे स्टाइल्स को, दूसरा पावर बम शायद एलिमिनेट होगा, क्योंकि एजे स्टाइल्स के पास बहुत ज़्यादा ही डाउनफॉल आया। पर सीएम पंक पीछे से आके रिवर्स कर दिया, तो टीम मेंबर का थोड़ा सा सपोर्ट मिलते हुए एजे स्टाइल्स को, पर एजे स्टाइल्स ने भी रिवर्स कर दिखाया है यहाँ पे रिवर्सिंग मूवमेंट, और यहाँ पे बटिस्टा को नेक ब्रेकर से शुरुआत करते हुए यहाँ पे, और यहाँ पे पावर बम का शायद इनकमिंग लगने वाला था। सीएम पंक ने अपना ट्राई किया था फिनिशर मूव लगाने, पर पीछे से केन का इंटरफेरेंस बहुत ही गलत समय पे आ गया। सिचुएशन अभी है कि टीम सीएम पंक एक और एलिमिनेशन कर सकता है, तो गेम थोड़ा सा बराबरी का टक्कर में आ जाएगा। पर टीम अंडरटेकर अभी भी एक अपॉर्चुनिटी लिया हुआ है, क्योंकि उसके पास 3 मैन हैं अभी भी। तो सीएम पंक का स्ट्रैटेजी देखना होगा किस तरीके से वो निभाता है इस स्ट्रैटेजी में, क्योंकि सीएम पंक के पास यहाँ पे फिनिशर मूव भी और सिग्नेचर मूव भी। बस एजे स्टाइल्स को टैग दे दे तो थोड़ा सा बढ़िया सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि सीएम पंक का भी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे ये फिनिशर खाने के बाद तो हेल्थी एलिमिनेशन हो चुका है यहाँ पे, हेल्थी एलिमिनेशन। पर यहाँ पे एजे स्टाइल्स उस चीज़ का बदला निकालेगा और यहाँ पे केन को भी एलिमिनेट करेगा। भाई साहब क्या ही बदला, टीम सीएम पंक का रिवेंज टेकिंग बात रह गया, क्योंकि क्या ही रिवेंज लिया गया। सीएम पंक को एलिमिनेट किया था केन, और यहाँ पे एजे स्टाइल ने आते ही पहला फिनिशर लगा के सीधा सीधी केन को भी एलिमिनेट कर दिया।
एजी स्टाइल्स को तो मानना पड़ेगा, पर एजी स्टाइल ज़्यादा देरी तक के मेरे ख्याल से नहीं टिक पाएगा क्योंकि आगे बहुत ही तगड़ा सुपरस्टार है। पर देखना होगा, शायद एजी स्टाइल्स 1v2 ले जाए तो भाई साहब तो बहुत ही अलग लेवल का मैच हो जाएगा, पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ये सिचुएशन बहुत ही कम ही हो पाता है, और वो भी आगे इतना तगड़ा तगड़ा सुपरस्टार रहे तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है सिचुएशन को आने के लिए। पर कोई ना, देखते हैं, कोई चीज़ भी हो सकता है, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हम लोग को देखने मिल सकता है। पर यहाँ पे खतरनाक फॉर्म अंडरटेकर का, यहाँ पे रनिंग फ्लाइंग मूव अंडरटेकर के पास तो मजा खेल रहा है क्योंकि अंडरटेकर को पता है कि ये मैच इजीली टीम अंडरटेकर विन कर रहा है। यहाँ पे सबमिशन के लिए गया पर पीछे से बटिस्टा रेडी है, और यहाँ पे फिनिशर मूव का ट्राई होगा, एक और फिनिशर मूव का ट्राई करना चाहिए था अंडरटेकर को, ये ट्राई थोड़ा सा मौका नहीं मिला था, पर ये फिनिशर परफेक्टली लगेगा एजी स्टाइल्स को, और इस मैच को आखिरकार टीम अंडरटेकर वापस से इस मैच को विन करते हुए। अंडरटेकर का इस सीरीज में मैच विन हो चुका है 2, क्योंकि पिछला मैच जैसे विन किया था ये मैच भी विन करके अपना सीरीज को बरकरार रखा है। तो अगला मैच जो होगा तो वो टीम अंडरटेकर ही के साथ होगा, कोई और टीम का, पर टीम अंडरटेकर को मानना पड़ेगा, क्या ही मैच दे रहा है ये, एंड मोमेंट पे ला के गेम पलट दिया। पर गेम पलटना ही था क्योंकि 2v3 सिचुएशन हो चुका था, पर कोई ना, एजी स्टाइल्स का टीम भी अच्छा ट्राई किया, टीम सीएम पंक भी अच्छा ही खेला, कोशिश किया, पर विन करने का थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी नहीं था तो कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ तक देखने के लिए वीडियो को बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को लाइक मार दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नेक्स्ट टीम किसके साथ किया जाए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।